Check out the view, check out the view. We are at the Tibetan restaurant called the Taste of Tibet. This is where I am. ठीक है, आप लोगों को एक बार बस मैं रेस्टोरेंट भी दिखाना चाहता था, जस्ट व्यू. खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, आई टेल यू व्हाट ऑल आई हैव ऑर्डर्ड. और उसके बाद जैसे आता एक मैंने पोक मोमोज मंगाए. ठीक है, पोक मोमोज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसको ट्राई करें. और एक टिबेटन जो, बिकॉज दिस इज टेस्ट ऑफ टिबेट, तो ट्रेडिशनल जो टिबेट की वो होती है, तो ये हमने मंगाई है. इसको कहते हैं चिकन शफाले. देखिए, चिकन शफाले ये मीट पीसेस होते हैं. ठीक है, ये एक मैंने ऑर्डर किया एंड साथ में ऑफ कोर्स बकाडी बीज क्रैनबेरी. ठीक है जी, तो चलिए इंजॉय करते हैं. ये आ गए हमारे वेरी वेरी टेस्टी पोक मोमोज और ये मेरी बकाडी ब्रीज है. इनके पोक मोमोज को मैं देता हूँ 9/10. बहुत तगड़े हैं, खूब माल बड़ा है और बहुत जूसी हैं, समझे. ये देखो जरा, एक बार देख लो जरा. वो दिल्ली में चिकन मोमो के जगह सोया भर के नहीं देते, ये रियल पोर्क है, समझे. और खूब अंदर मतलब जूसी है, मुँह में आ रहा है, टेस्ट आ रहा है. सॉरी, इट इज़ द रियल डील. थोड़ा सा नमक कम है, ऊपर से नमक डाले रहा हूँ. और नमक इसलिए कम रखते हैं, यहाँ के लोग समझदार होते हैं, नमक कम खाते हैं. और दूसरे एक्सपैट्रिएट भी नमक कम खाते हैं. ठीक है, तो नमक तो अपने स्वाद अनुसार डाल लो तुम ऊपर से, लेकिन जो टेस्ट है ना इसका, ऑथेंटिक है, रियल है एंड ऑसम है. इट इज़ फंटास्टिक, फंटास्टिक. एंड अ प्लेट ऑफ दीज 8 मोमोज जस्ट कॉस्ट सम 250-280 रुपीज़. और रियल माल भरा है इसमें, रियल पोर्क है, सब बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, मतलब यमी है. आई विल कम हियर ऑन MG रोड जस्ट टू हैव दिस विथ अ ग्लास ऑफ बियर और बकाडी और व्हाटएवर दैट आई एम हैविंग. करंटली हैविंग द क्रैनबेरी बकाडी. प्लीज सर, चीयर्स. चटनी भी सटल है, दिल्ली वाली नहीं है कि इतनी तीखी कि अगले दिन सवेरे मर जाओ. वो हो जाए बाबा शहीद हो जाए. बाबा शहीद वाली चटनी नहीं, असली है टेस्टी चटनी, जिसको ऐसे खा भी सकते हो भाई. वाह, आई गिव देयर पोक मोमोज 9/10. फंटास्टिक टेस्ट ऑफ टिबेट पोक मोमोज 9/10. वैल्यू फॉर मनी. चीयर्स. देखिए, अभी मैंने टेस्ट किया टेस्ट ऑफ टिबेट से. सामने वाली बिल्डिंग पे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ एक पगला कहाँ चढ़ा हुआ है. देखिए आप, देखिए पगला कहाँ चढ़ा हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ. देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है पगला, देखा आपने, रेल पे चढ़ा हुआ है. गिरेगा तो रेल लग जाएगी इसकी, है ना. तो आप सभी लोग बच्चे जो घर में देख रहे हैं, ऐसा पागलपन ना किया करिए. घर घर की बालकनी, बालकनी में खड़े रहने के लिए होती, बालकनी के एज पे बैठ के एक टांग बाहर निकालने के लिए नहीं होती है. ऐसा पागलपन नहीं करिए, डोंट ट्राई दिस एट होम. तो ये मैं बैठा हूँ टेस्ट ऑफ टिबेट में. ठीक है, सभी फूड ब्लॉगर्स द्वारा टेस्ट ऑफ टिबेट को रैंक किया गया है इन द टॉप 20 कैफेज इन बार, यहाँ पे सेकेंड टॉप में MG बार का. और अब मैं, हमने मोमोज को ट्राई कर लिए. ठीक है, चिकन बोट मोमोज अमेजिंग 9/10 दे दिया. अब मैंने टिबेट की ट्रेडिशनल, इसको चिकन साइफले कहते हैं, चिकन साइफले. ठीक है, ये देखिए, ये मंगाया मैंने. ठीक है, मैंने कभी ये डिश नहीं खाई है, टिबेट की ट्रेडिशनल डिश है ये. और हम टेस्ट ऑफ टिबेट में बैठे हैं, जहाँ ट्रेडिशनल टिबेट मटन डिश भी मिलती है, तो इसका मैं अनुभव कर रहा हूँ. तो ये अब खाती है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे कैसा लगा. भरा हुआ तो सॉलिड लग रहा है, पूरा चिकन भरा हुआ है, देखिए अंदर तक
सोया वोया नहीं, वो दिल्ली वाला ड्रामा नहीं चलता यहाँ पे। 3500 रुपये के मोमो बेचो, सोया भर दो, चिकन भी लगे, नहीं रियल डील है। ये भी बहुत सस्ते हैं, कुछ 250-280 रुपये के हैं एक प्लेट में आते हैं ये दो बड़े बड़े पीसेस। इनका शेप गुजिया की तरह है, होली में गुजिया खाते हैं ना, गुजिया की तरह है, ठीक है। बाकी इनका नाम है चिकन साइफले, ये मैं खा रहा हूँ चिकन साइफले, डिफरेंट डिश है। अब इसको हम ट्राई करते हैं हाँ, और फिर देखते हैं कैसा लगा, है ना। तो चटनी मैंने ले ली है मोमोज वाली, जैसा मैंने कहा है बाबा सिंह नहीं देती है ये मोमोज की चटनी, नॉर्मल चटनी है, ठीक ठाक तीखा है, टेस्टी है, दिल्ली वाली नहीं जो खाओगे एक दिन अगले दिन बाबा सिंह हो गया, ठीक है, बाथरूम में बैठे। चलिए तो ये थोड़ा खाते हैं। अच्छा एक चीज़ ऑलरेडी मैंने फिगर कर लिया है कि हाँ नमक वो कम डालते हैं, जो सही है, सही है, हेल्दी है, एक्सपैट्रिएट्स को भी पसंद है, लोकल्स को भी। तो नमक हम ऊपर से डाल लीजिए, वरना शायद स्वाद दिल्ली वाले नॉर्थ इंडिया के हिसाब से आपको कम आए, ठीक है। बाकी अब इसका हम खाते हैं, स्वाद लेते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है, कितना टेस्टी है, क्यों है, और इसको रैंक करता हूँ, रेटिंग देता हूँ। गर्म है, जलाने वाला गर्म नहीं, गर्म अच्छा वाला गर्म है। चिकन ट्राइफले मैं खा रहा हूँ, फ्राइड में है ये, मोमो स्टीम में थे, चिल बकाटी फ्रीजर चल रही है साथ साथ कैंडरी की। अच्छा है, मैं देता हूँ उसको 7/10। देखिए क्या है, सरफेस को फ्राइड कर दिया जैसे फ्राइड मोमोज होते हैं, अंदर भर के इन्होंने माल पानी डाल दिया, चिकन डाल दिया पूरा वो धनिया वनिया के साथ, अच्छा है, चिकन की तरह अच्छा है, 7/10 लाइक है। बट द मोमोज, द बोथ मोमोज आर बेटर, दे आर अ क्लियर फेवरेट, 9/10। मोमोज ऐसी चीज़ है कि मैं दोबारा खा लूँ, आऊँ खाऊँ, ये ठीक है। ट्राई करने के लिए खाया, 7/10 है, अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको। फ्राइड चीज़ें पसंद है, मैं थोड़ा सा फ्राइड वाइट से बचता हूँ, मेरे को ग्रिल्ड मिल जाए बेटर है, स्टीम मिल जाए आइडियल है, हेल्दियर होता। और इसमें माल पानी पूरा डाला है लेकिन जूसेस कम है, जो मोमोज में जूसेस हैं ना इनके, भर के जूस है अंदर, तो खाइए और मेल्ट इन योर माउथ, इसमें वो बात नहीं है। इसमें ड्राई चिकन है और तो ठीक है, 7/10 है, ठीक है जी। चिकन साइफले टिबेटन डिशेस के अंदर आता है, ट्रेडिशनल टिबेटन डिशेस चिकन साइफले, 7/10 है। Cheers.